दसवीं के बोर्ड की परीक्षा में हमीरपुर के निजी स्कूल के छात्र क्षितिज शर्मा ने प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल कर जिला का नाम रोशन किया है। बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में क्षितिज शर्मा ने मात्र एक अंक से चूकने पर दूसरा स्थान हासिल किया है। क्षितिज शर्मा हमीरपुर जिला के लम्बड़ू के रहने वाले हैं और क्षितिज शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों और अध्यापकों को दिया है। क्षितिज शर्मा का सपना न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने का है। क्षितिज का कहना है कि अगर सच्ची लगन से मेहनत करे तो मंजिल पाना आसान होता है। क्षितिज ने 690 अंक लेकर दसवीं बोर्ड की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है और मात्र एक अंक से पहले स्थान पर आने से चूके हैं। क्षितिज शर्मा ने कहा कि परीक्षा खत्म होने के बाद से पूरी उम्मीद थी कि इस बार मेरिट में अव्वल स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरिट में आने पर इसका श्रेय अपने अभिभावकों और अध्यापकों को देता हूं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सभी टीचर्स को देना चाहता हूं। दिन में लगभग 6 से 7 घंटे जब हमें रिलैक्सेशन मिली होती हैं, छुट्टियां दी होती हैं पढ़ने के लिए, और ऐसे डेली रूटीन में स्कूल के अलावा 2-3 घंटे पढ़ाई के साथ साथ क्या खेलने की प्रति आपकी रुचि? हाँ जी, मैं क्रिकेट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और जहाँ तक रही को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात, तो मैं स्कूल की तरफ से डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं स्टेट में 2-3 बार फर्स्ट भी आ चुका हूँ डेक्लेमेशन में। तो बेटा आने वाले समय में आपको क्या क्या बनना चाहते हैं? मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? पेरेंट्स, टीचर्स। क्षितिज के पिता और माता ने बताया कि वे TGT अध्यापक हैं और अपने बेटे के मेरिट में लिस्ट पर आने पर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि बेटे की उपलब्धि से पूरी तरह से गौरवान्वित हैं। ये हमारा एक ही बेटा है और शुरू से जैसे इसने खुद बताया कि ये नवोदय में भी सिलेक्ट हो गया था, वहाँ 16 दिन पूरे लगा कर आया और वहाँ का तो जो एनवायरनमेंट था वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो फिर से घर वापस आ गया और घर की एक जो होमसिक होता है उस तरह का इसने अपने आप को उसमें डाला था। फिर अगले नेक्स्ट उसी ईयर में इसकी सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्शन हो गई, तो हम तो चाहते थे कि वहाँ ये चला जाए, लेकिन फिर इसने वो बताया कि नहीं पापा जी, मैं अभी आपसे दूर नहीं रहूँगा, रात के समय मैं अपने घर में ही रहना चाहूँगा और दिन में जहाँ भी स्टडी करवाओगे वहाँ कर लूँगा। तो फिर हमने भी इसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि एक ही बच्चा था, तो हमने बोला कि चलो अपने पास रखेंगे। और फिर हमने इसका जो एक डेक्लामेशन का था उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान था, तो हमने इसको थोड़ा मोटिवेट करना शुरू किया। तो विगत अगर 4 वर्षों से आप देखें रिकॉर्ड वहाँ संभालें, तो जो अंडर 14 और अंडर 19 के जो स्टेट लेवल के डेक्लामेशन है उसमें इसकी फर्स्ट पोजिशन पर रहता है। तो ये एक स्कूल की तरफ से इसको बड़ा मोटिवेट किया जाता है, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम आता है, कोई इन्वायरमेंट डे या कोई भी डेक्लामेशन के रिगार्डिंग, तो इसको वो प्रमोट करते हैं और इसको बोलते हैं कि आपने पार्टिसिपेट करना है, और ये हर बार लगभग फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है। कभी कभार हुआ होगा कि एक आधे इससे चूका होगा, अदरवाइज फर्स्ट ही आता है। और जैसा कि पढ़ाई में तो ज़्यादा मैंने नहीं देखा इसको कि पेपरों के दौरान इसने कोई प्रेशर अपने ऊपर लिया हो, लेकिन ये कुछ लीक से हट के जरूर सोचता है। जैसे कोई कंसेप्ट होगा तो अपने दिमाग से सोचेगा, उसको हाईलाइट करेगा, उसके बारे में जिज्ञासा इसके मन में रहती है और उसको क्लियर करके ये उसको मतलब जड़ तक जाने की कोशिश करता है। और इमोशनली बड़ा अटैच्ड है घर से और बड़ा शरारतें भी इसके मन में रहती हैं, लेकिन ये सारा इसके साथ स्टडी के साथ ही कंप्रोमाइज़ नहीं करता है उनमें। ये जब भी जितना टाइम भी डिवोट करेगा वो बड़ा मतलब डीपली करेगा और ठीक ढंग से उसको मैनेज करेगा। और कल से ही हमारे घर में क्या पूरे इलाके में जो है वो खुशी का माहौल छाया हुआ है। मात्र एक अंक से ये प्रथम पोजीशन आने से चूका है, लेकिन हमारे लिए प्रथम ही है और इसकी उपलब्धियां बचपन से ही जो है वो काफ़ी रही हैं। अगर आप हमारे घर में आए हैं तो इसके मेडल्स या इसके जो मेंटोज हैं वो भरे हुए हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि इतना प्रतिभावान बच्चा हमें मिला है। और माता रानी की मैं असीम कृपा मानती हूँ कि मुझे ऐसा बच्चा दिया है उन्होंने। और बाकी भी हर फील्ड में जहाँ पे भी ये जाता है, चाहे ये घर का ही काम करे, इवन किचन में जाए, तो तब भी मतलब हर काम में ये अपनी परफेक्शन देता है और हर काम को बड़ी लगन से करता है।